कुछ दिन पहले रायसेन जिले के गिरगंज तहसील का एक मामला आया था, जिसमें एक व्यापारी ने फूड इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। उन्होंने जब वह आरोप लगा रहे थे तब वह फूड इंस्पेक्टर अपनी कार को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। वहाँ पर दो फूड इंस्पेक्टर थी। इस संबंध में हमने यहाँ CMHO दिनेश खत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सबकी ड्यूटियाँ अब अलग अलग लगा दी गई हैं, अब सब एक साथ नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है और उन लोगों को पत्र भी सौंपे हैं जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने फूड इंस्पेक्टर आपके अंडर में हैं? जिला रायसेन में दो फूड इंस्पेक्टर हैं अभी थे, तीसरे अतिरिक्त मुख्यालय से अटैच कर दिए गए हैं, अतिरिक्त कार्यालय तीन हमारे पास फूड इंस्पेक्टर। अधिकतर ये देखा गया है कि ये सभी लोग एक साथ ही जाते थे कहीं पे भी, ऐसा क्यों? ये आपके माध्यम से संज्ञान में भी आया है कि कई जगह एक रास्ते से दोनों इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इनको अलग अलग क्षेत्र बांट दिए गए कलेक्टर महोदय के द्वारा, और सूचना भी हमको दी जाती है हमारे द्वारा कि कहाँ पर किस क्षेत्र में जाए। अभी गिरिजन का एक मामला आया था जिसमें एक व्यापारी आरोप लगा रहा है कि आपके फूड इंस्पेक्टर ने उनसे 25,000 रुपये की मांग की, उनने कहा यदि आप 25,000 रुपये नहीं दोगे तो आपका सैंपल भर लिया जाएगा। ये जानकारी हमको आपके माध्यम से प्राप्त हुई थी और हमने उनको पत्र भी जारी किए हैं कि आप हमें बताइए, लेकिन हमारे पास कोई शिकायत पुख्ता नहीं प्राप्त हुई कि किसके द्वारा इनकी डिमांड की गई है। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो अनु जैन नाम का व्यक्ति है, गिरिजन का व्यापारी है, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की थी, ये लोग गाड़ी लेके भाग गए। इन्होंने मीडिया का भी कोई जवाब नहीं दिया, ये लोग भागे को वहाँ से अगर ये लोग सही थे तो? इसमें हम बिल्कुल पूरी जानकारी और प्राप्त कर रहे हैं और जैसा भी होगा हम आपको।